पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर ने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाबूलाल गौर का कहना है कि मनोहर पर्रिकर बहुत सरल स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री रहते हुए विकास की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिसके लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। बहुत ही स्पष्टवादी नेता थे, मेरे व्यक्तिगत मित्र भी थे। कई बार कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उनके साथ मुझे रहने का भी मौका मिला है, उनको समझने का मौका मिला है। एक प्रेरणादायी और हसमुख व्यक्तित्व उनका सदैव रहा है। हर परिस्थिति में विचलित हुए बिना काम करते रहना, ये मनोहर पर्रिकर जी की विशेषता थी। आज जो हमारे बीच में से वो गए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि इस देश ने एक बहुत बड़ा देशभक्त खो दिया है। VIP रूम में बैठे हुए थे, तो जब वो मुख्यमंत्री थे मनोहर जी, तो गोवा में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, तो हम वहाँ गए थे। तो उन्होंने कहा कि आप गोवा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, तो आपको हम विशेष सम्मान कर रहे हैं, और आप किसी भी होटल में यहाँ 3 दिन तक हमारे गेस्ट रह सकते हैं, और उन्होंने एक साल भी हमको बनाया, क्योंकि मैं 1954-55 में जब गोवा मूवमेंट हुआ था, तो मैं 17वीं उम्र में तंजी में गिरफ्तार हुआ। लेकिन भोपाल में जब उनको मुख्यमंत्री के रूप में दिखा, तो मैंने कहा आपको कैसा लगता है रक्षा मंत्रालय, कि रक्षा मंत्रालय से अच्छा मुझे गोवा अच्छा लगता है। गोवा को ही मैं चाहता हूँ कि मैं पुनः गोवा में मुख्यमंत्री बन के चला जाऊँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी रक्षा मंत्री के रूप में ही रखना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री जी से चर्चा की हो, और पुनः वो गोवा मुख्यमंत्री रहे। उनका विरोध कोई करने वाला नहीं था। पूरे गोवा के अंदर इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, वो चुनाव लड़ते थे लोग, लेकिन वो कहते थे यही मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम इस पार्टी को वोट देंगे।